हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम साइबर क्राइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो पूरी एक सीरीज़ होगी जिसमें वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स लाइक डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम, टाइप्स क्या क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड साइबर क्राइम, इसके कॉजेशन को रोका कैसे जाता है, एंड एवरी थिंग। यू विल बी एबल टू फिगर आउट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम बाय एंड ऑफ दिस लेक्चर। लेट अस बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम कि आखिर साइबर क्राइम होता क्या है। ओके, साइबर क्राइम जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, आईटी से रिलेटेड होता है, राइट? ये साइबर वर्ल्ड में हो रहा है, मतलब कि इंटरनेट जहाँ पर आया वहाँ पर जो क्राइम हुआ उस टाइप के क्राइम को हम बोलेंगे साइबर क्राइम, ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम्स और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एंड ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है फॉर लेजिस्लेशन, या तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो गई, अथॉरिटीज़ हो गई, जजेस हो गए, एंड द कॉमन मैन, द पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी। ओके, देन एक जनरल डेफिनेशन अगर हम देखें साइबर क्राइम की, तो इन सिंपल टर्म साइबर क्राइम उस टाइप के क्राइम्स होते हैं दैट इज़ कंडक्टेड वाया इंटरनेट और सम अदर कंप्यूटर नेटवर्क। मींस अगर कोई भी क्राइम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ही कंडक्ट किया जा रहा है, इसको नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड में नहीं इस तरह से कंडक्ट किया जा सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी को नाइफ से स्टैब कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, दैट इज़ नॉट अ साइबर क्राइम। वाई? बिकॉज यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ नहीं हो रहा है। फाइन, देन साइबर थ्रेड भी एक टर्मिनोलॉजी है, एंड यू शुड बी फेमिलियर विद दैट बिफोर वी स्टार्ट प्रोसीडिंग विद द लेक्चर। थ्रेट, खतरा, कोई वैसा खतरा जो कि वाया यूज़ ऑफ कंप्यूटर, वाया यूज़ ऑफ इंटरनेट स्प्रेड हो रहा है, लोगों के कंप्यूटर से कंप्यूटर में स्प्रेड हो रहा है, कोई उस टाइप का खतरा। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, वो वायरस के अटैक का खतरा हो सकता है, साइबर टेररिज्म हो सकता है ना, साइबर वॉरफेयर, हैकिंग, फिशिंग, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी आगे के लेक्चर में। ओके, फिशिंग में क्या होता है, जैसे कोई मैलिशियस लिंक होती है, कभी होती है ना, कोई लिंक पे क्लिक नहीं करना होता है, इनकेस आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी हो सकता है प्राइवेट जो भी इन्फो है वो लीक हो जाए, या तो फिर पीपल कैन गेट एक्सेस टू योर डिवाइस, दे कैन गेट योर पासवर्ड, एंड मच मोर थिंग्स लाइक दैट कैन हैपन। ये एक जनरल डेफिनेशन थी। देन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, अ थ्रेट इज डिफाइंड एज, अब देखो एक और डेफिनेशन है थ्रेट की, द पोटेंशियल टू कॉज एन अनवांटेड इंसिडेंट इन विच एन एसेट और सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन मे बी हार्म, ठीक है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट कॉज कर देना जिससे आपका कोई एसेट हो, आपका सिस्टम हो, आपका कंप्यूटर हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन एज होल, कभी कभी क्या होता है एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को ही हैक कर लिया जाता है। ओके, सो दिस आर ऑल दी फॉर्म्स ऑफ थ्रेट। नाउ हियर आर सम ऑफ दी डेफिनेशंस दैट आर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, ठीक है, अबाउट साइबर क्राइम की। हम अभी बेसिकली वही देख रहे हैं ना कि साइबर क्राइम होता क्या, एंड वी आर डीलिंग विद डिफरेंट डेफिनेशंस। डॉक्टर देवराती हल्दर एंड डॉक्टर के जयशंकर ने साइबर क्राइम को कुछ ऐसा डिफाइन किया था। सो दे सेड दैट ऑफेंसेज दैट आर कमिटेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ अ क्रिमिनल मोटिव टू इंटेंशनली हार्म द रेपुटेशन ऑफ विक्टिम और टू कॉज द फिजिकल और मेंटल हार्म, कोई भी ऑफेंस जो कि क्या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए या तो फिर एक इंडिविजुअल के लिए कमिट किया जा रहा है, ठीक है। और मोटिव क्या है, क्रिमिनल मोटिव है, हार्म करने का मोटिव है सामने वाले को। अब उसकी रेपुटेशन को भी हार्म किया जा सकता है, हो सकता है उसको कोई मेंटल या फिर फिजिकल डैमेज कॉज करने का प्लान बनाया जा रहा हो, है ना, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है। बट यहाँ पे फ़र्क ये रहेगा कि मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट हो गया, ईमेल, ये सब यूज़ किया जाएगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं साइबर क्राइम। तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं। वैसे ऑफेंसेस जो कि कमिट किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए, एंड इनका मोटिव होता है हार्म कॉज करना, बी इट फिजिकल और अ मेंटल हार्म टू द विक्टिम इन अ डायरेक्ट मैनर और इन एन इनडायरेक्ट मैनर, ठीक है। बट यहाँ यूज़ किस चीज़ का हो रहा होता है, इंटरनेट का यूज़ हो रहा होता है, चैट रूम्स हो गए, ईमेल हो गए, नोटिस बोर्ड, ब्ला ब्ला, या तो फिर योर एसएमएस, एनीथिंग कुड बी देयर। ये होता है साइबर क्राइम इनकी डेफिनेशन के हिसाब से। और एक डेफिनेशन भी यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे कि कंप्यूटर क्राइम हो गया, ई क्राइम, हाई टेक क्राइम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ऐसी जगहों पर कंप्यूटर टारगेटेड क्राइम्स होते हैं
ये बेसिकली लार्ज नंबर में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, क्राइम इज़ वेयर अ कंप्यूटर इज़ द टारगेट ऑफ अ क्रिमिनल. एक क्रिमिनल का टारगेट होगा किसी दूसरे का कंप्यूटर, कि अब मैं इसका पासवर्ड का एक्सेस पा लूँ, या तो फिर मैं इसके अकाउंट का एक्सेस पा लूँ, मैं इसके इंस्टाग्राम आईडी का एक्सेस पा लूँ, ये चीज़ होती है. ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस क्राइम्स आर नॉट न्यू, पीपल आर वेरी वेल फेमिलियर विद देम. जैसे कि सिंपली जैसे कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, फ्रॉड हो गया, थेफ्ट हो गया, है ना, ब्लैकमेलिंग, फोर्जरी, एम्बेजलमेंट, ये सब तो ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हो रहा होता है. बस फ़र्क यहाँ पे ये होता है साइबर क्राइम्स में कि यहाँ पे यूज़ किया जा रहा होता है इंटरनेट का इन ऑर्डर टू कमिट दिस क्राइम. फ्रॉड तो नॉर्मली भी होता है ना विदाउट यूज़ ऑफ इंटरनेट, थेफ्ट तो नॉर्मली भी होता है, ब्लैकमेलिंग में भी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पीपल वुड यूज़ इंटरनेट, बट अगर यहाँ इंटरनेट का यूज़ हुआ, साइबर वर्ड जुड़ा, तो दिस क्राइम इज़ नॉट अ नॉर्मल क्राइम बट अ साइबर क्राइम. डिस्टिंक्शन क्या होता है अब साइबर और कन्वेंशनल क्राइम में, यहाँ पे ये देख लेते हैं. मीडियम का इन्वॉल्वमेंट इन द केसेस, जैसे कि साइबर क्राइम में यहाँ पे एक वर्चुअल साइबर स्पेस की इन्वॉल्वमेंट होती है ना. अभी जो चीज़ मैंने ऊपर में समझाई थी, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा होता है, इंटरनेट का यूज़ हो रहा होता है, दिस आर द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन अ साइबर क्राइम. बट जो नॉर्मल कन्वेंशनल क्राइम होते हैं वो डायरेक्ट फिजिकल मतलब पर्सन फेस टू फेस हो सकता है, या तो फिर विदाउट एनी यूज़ ऑफ कंप्यूटर मीडियम. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मर्डर, दैट इज़ अ कन्वेंशनल क्राइम, या तो फिर फ्रॉड जो फेस टू फेस हो रहा है. अभी जैसे क्या होता है, स्कैमर्स कॉल करेंगे, दे विल कमिट सम काइंड ऑफ फ्रॉड. ओके, बट ऐसा तो नहीं था कि फ़ोन नेटवर्क, जियो सिम, ये सब के आने के पहले फ्रॉड्स नहीं होते थे. ऑफकोर्स होते थे, बट वे डिफरेंट था. अर्लियर इट यूज़ टू बी इन कन्वेंशनल फॉर्म, नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ साइबर क्राइम विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड. जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड ने इवॉल्व किया, क्राइम कमीशन का तरीका भी बदलता गया. दिस इज़ इट फॉर द डे, दिस वॉज अ लेक्चर बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम. इन अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द साइबर क्राइम.